नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। सूर्योदय सुबह 6:13, सूर्यास्त शाम को 6:09, चंद्रोदय शाम को 5:08, चंद्रास्त सुबह 4:39 30 सितंबर में, तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 10:33 तक रात के, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र 12:48 तक रात के 30 सितंबर तक, योग शूल योग 7:26 तक शाम के, करण कौलव 9:43 तक सुबह के, तेतिल 10:33 तक शाम के, वार मंगलवार। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल, क्या कहता है आपका राशिफल, क्या कहते हैं आपके सितारे और क्या करना चाहिए आपको उपाय अपने दिन को और ज्यादा शुभ बनाने के लिए। मगर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब जान लेते हैं आपका राशिफल। मेष राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही है। आप अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर से जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा। समय रहते लिया गया निर्णात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। आज आपको समय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यकता है। ध्यान केंद्रित करें जिससे कि आप नीचे की ओर ना जाएं। समय के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सौंपा जा सकता है, तब तक निरंतरता रखें। इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इससे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। आज ऑफिस के काम के दबाव से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आप अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। सोने जाने से पहले थोड़ा ध्यान लगाएं और खुद को शांत मनोदशा में रखें। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा। शुभ रंग आपका सिंदूरी होगा। आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। वृष राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिश करनी होगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं और इसलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। आज आपको नौकरी की संभावनाओं के बारे में कुछ अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी पसंद की कंपनियों में एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। आपको अपने साथी के साथ अधिक सहानुभूति के साथ होने की जरूरत है। आपका साथी अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है। आपको सपना आ सकता है, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आप होम्योपैथी तरीके अपनाने की विशेषज्ञों की सलाह को काफी समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि आपको अब शरीर के सब हिस्सों में दर्द महसूस होने लगा है। आज आपका भाग्य अंक 9 होगा। शुभ रंग आपका केसरिया होगा। आज आप बहते हुए जल में खड़ी मसूर प्रभावित करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मिथुन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपनी समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अजरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे। आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा।
खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है, आप अपने कार्यक्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं या आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव भी हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज को शौकिया तौर पर लेते थे, वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहाँ तक कि आप अपनी नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आपकी सेहत काफी अच्छी लग रही है, आज अपना मनपसंद खाना खाकर आनंद लें। शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें, कोई अप्रत्याशित तथा अचानक नुकसान हो सकता है। आज कहीं यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा, इसीलिए सावधानी रखें। आज आपका भाग्य अंक 5 होगा, शुभ रंग आपका मेहरून होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके किसी करीबी के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं और आज आपको उनकी बात सहानुभूति से सुननी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आप इस आदमी की बातों से निराश और बेचैन सा महसूस करें, लेकिन आपको बिना किसी आलोचना के इस आदमी की सहायता करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्ती या साझेदारी भी प्रभावित होगी। आप अपना आपा खो सकते हैं। आप अपने आप को शांत बनाए रखें और समस्याओं को एक एक करके निपटें। आपको देर तक अपने कार्यालय में कार्य करना पड़ सकता है, शाम तक अपनी प्रतिबद्धताओं को रद्द कर दें। अपने कार्य को ढंग से समाप्त करने की ओर ध्यान लगाएं। आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे। आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। अपने स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का आज जायजा आपकी मानसिक दृष्टि से ले सकते हैं। जो कुछ आपके दिमाग में आता है उसे लिख लें। जो आपको व्यर्थ लगता है उसे जाने दें और बेहतरीन सेहत पाने के लिए जो जो कदम उठा सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अपने सामने रखें। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। यदि आप आज थोड़े से धीरज और सहनशीलता के साथ काम लें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन धीरज बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। समय भी आपको रेंगता सा अनुभव होगा और आप जिस गति से चाहते हैं उससे काम नहीं हो पाएंगे। अगर आप जल्दी भी मचाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। खुद को शांत रख पाने की किसी क्रिया के साथ दिन की शुरुआत करें। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है। आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रिय के साथ कुछ साहसिक करने की योजना बनाएं। आप जो भी कुछ करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इससे आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव में कुछ कमी आने की उम्मीद है। आपको अपने नए अनुभवों और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा। अगर आप अपने खान पान संबंधी दैनिक आदतों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाएंगे। आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने फिट शरीर का आनंद नहीं ले सकते। आज आपका भाग्य अंक 2 होगा, शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचकिचाएं मत। इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए, अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम की दूरी पर हैं। चीजों को आसान तरीके से लें और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। अपने काम को करने के लिए दूसरों पर भरोसा ना करें। आप अपने पुराने प्रेमी को वापस अपना लेंगे, यह सही है कि अलग होते हुए आपके बीच कुछ मतभेद जरूर थे। वापस एक साथ आने के बारे में अब भी आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसी सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ आधारभूत सावधानियां तो रखनी ही होंगी। समय पर कदम उठा लेने से आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब
अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है। आज आपका भाग्य अंक 7 होगा, शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, खुशियां मनाने का समय है। आपके किसी करीबी की शादी है, इस जोड़े को आपसे बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे शादी के बारे में सोच सकते हैं, जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए पार्टी में मजे करने का समय है। आप अपनी नौकरी और कार्य क्षेत्र से काफी संतुष्ट हैं, परंतु क्रोध के कारण आप अपना आपा खो सकते हैं और किसी सहकर्मी से आप विवाद में फंस सकते हैं। इन घटनाओं की वजह से कोई लापरवाही भरा निर्णय ना लें जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। आप केवल अभी तक प्यार के मामले में कोई भी जरूरत होने पर केवल बोलकर ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब आप इन जरूरतों के लिए खुद को दिल से समर्पित करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिना देर किए किसी गंभीर फैसले की ओर सोचना चाहिए। अगर कुछ दर्द महसूस हो तो आधे घंटे तक पैरों पर मसाज करें या फिर पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रखें। अगर दर्द बढ़ जाए तो नजदीकी डॉक्टर की सलाह भी लें। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा, शुभ रंग आपका गोल्डन होगा। आज आप हनुमान जी को पंचामृत से स्नान करवाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती जाएंगी। अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही है, सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। आज आपको अपने प्रिय के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत पड़ सकती है। समस्या समझें और समझदारी से काम लेते हुए व्यवहार करें। आपके प्रति नरम भी होंगे और आपका एहसान भी मानेंगे, अगर अब नहीं तो बाद में जरूर ऐसा करेंगे। तनाव रहित महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। अति ना करें, आनंद लें, परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला समय आपके लिए काम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और आपका स्वस्थ रहना काफी आवश्यक है। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा, शुभ रंग आपका सुनहरा होगा। आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। धनुराशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, इस समय आपको जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहते हैं। आज आपका भाग्य सत्ता उद्यम एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आज का दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा। आप उचित निर्णय ले पाओगे और ये निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आपके रिश्ते में लोगों के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने साथी से वार्तालाप करें एवं उसकी बात को ध्यान से सुनें, जिससे कि समस्या का समाधान निकल सके। आपको अपनी भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो सके। आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा, ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप हनुमान जी का अर्चन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मकर राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आज का दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। आपके दृष्टिकोण में आज कोई नया आयाम जुड़ेगा या आप किसी अपरिचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित होंगे। आपको यह सीख मिलेगी कि अपना भविष्य तय करने में तथा अपनी जिंदगी में फिलहाल चल रही समस्याओं से जूझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको ही निभानी है। जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं, वे अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि
अगर ऐसा नहीं होता है तो आप खुलकर अपने विचारों को आवाज दें और ये सुनिश्चित रखें कि इसे सुना जाएगा। जटिलताएं आज आपके प्रेम के रिश्ते में आएंगी। आप या आपके साथी का छोटा भाई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ गलत जानेंगे, बल्कि आपके साथी के व्यक्तिगत के पहलू के बारे में आपको एक नया पहलू जानने का मौका मिलेगा जिसके बारे में आप अनजान थे, और ये आपके रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगा। बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा, शुभ रंग आपका सिंदूरी होगा। आज आप वृक्षों में जल डालें, लाभकारी होगा। कुंभ राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, व्यवसाय संबंधी परेशानियां हल होंगी, लेकिन तब तक आपको बोलने लिखने और काम में भी आक्रामक नहीं होना है। निजी जीवन से संबंधित परेशानियां झेल रहे लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए। आप अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में स्थापित हैं, पर आज आप अपने काम में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। किसी चीज को लेकर आप में असंतोष की भावना है, आज आपको परेशान कर सकती है। आपकी पुरानी प्रियतमा नई बनने की कोशिश कर रही है, आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूरियों को दूर करने की उनकी कोशिश को भी कदर करनी चाहिए। लेकिन इसका एहसास जरूर करवा दें कि अगर आप कुछ समय से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं तो यह सबसे उपयुक्त समय है कि आप किसी अच्छे विशेषज्ञ की मदद लें। अगर आप अब इस बात पर ध्यान नहीं देते तो समस्या गंभीर हो जाएगी। कुछ तनाव की भी भूमिका है जिससे कि आप असहाय महसूस कर रहे हैं। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा, शुभ रंग आपका महरूम होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप ऊर्जा से भरपूर हैं और काफी मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव औरों को भी प्रभावित करेगा। आपकी टीम को आपसे बेहतर काम कराने के लिए प्रेरणा मिलेगी। घर पर भी आज आप सामान्य से अधिक जिम्मेदारियां उठाएंगे, इससे आपके करीबियों को खुशी होगी और आपको बस यह देखना है कि यही स्थिति लगातार बनी रहे और आपको भी कोई परेशानी ना हो। आपको विदेशी भूमि में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ कार्य करने का प्रस्ताव मिल सकता है और आपके विदेश में बसने का आपका सपना सच हो सकता है। हालांकि दस्तावेज से जुड़े कुछ मुद्दों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन उन मुद्दों का समय रहते हल हो जाएगा। आपको बोलने की भी आवश्यकता है। अगर आपके साथी का दृष्टिकोण और व्यवहार आपको परेशान कर रहा है तो अपने साथी से इस मुद्दे पर वार्तालाप करें। इन बातों से आप बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप अनिद्रा से पीड़ित हो सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद भी संतुलित खाने और नियमित एक्सरसाइज जितनी ही जरूरी है। अगर आप अच्छी तरह से आराम नहीं करेंगे तो आप पूरे दिन थकान और आलस अनुभव करेंगे। आज आपका भाग्य अंक 7 होगा, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।